तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक सैमसंग T70 स्पीकर जो कि हमने रिलायंस डिजिटल से लिया था। इनिशियली हमने सोचा था कि एक स्पीकर ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी पार्टीज़ हाउस वार्मिंग पार्टीज़ होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं स्पीकर काम आ ही जाता है फेस्टिवल्स पे, और न्यू ईयर भी अभी आने को ही है। तो स्पीकर के जब हमने सिलेक्शन किया तो हम कुछ स्पीकर्स में कंफ्यूज थे, जिसमें JBL था हमारा ऑप्शन एक, जिसमें हमारा सोनी था ऑप्शन, और तीसरा हमें एक ऑप्शन एक्सप्लोर किया था जो हमारे पास सैमसंग था। तो हमारा बजट जो था वो समवेयर अराउंड 30-35,000 था, जिसमें हमें JBL भी हमारे पास ऑप्शन था और सैमसंग हमारे पास ऑप्शन था, और अगर हम थोड़ा बजट को स्ट्रेच करते तो सोनी भी हमारा पास एक ऑप्शन हो जाता जिसमें डिसेंट स्पीकर हमें मिल रहा था। बट इवेंचुअली हमने एक्सप्लोर किया और पाया कि सैमसंग एक सबसे ज़्यादा किफ़ायती और वैल्यू फॉर मनी स्पीकर हमें मिल रहा था। तो हमने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया कि हम कहाँ से इसको ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, तो हर जगह पे प्राइसेज अलग अलग होते हैं, अलग सेल चल रही होती हैं। तो इवेंचुअली हमने देखा कि हमारे पास जो सबसे लोएस्ट वैल्यू मिल रही थी हमें स्पीकर की, वो हमें मिल रही थी रिलायंस डिजिटल पे, जहाँ पे हमें ये 30,700 के अराउंड हमें पड़ रहा था, जबकि इसका जो ऑनलाइन हमने वर्जन देखे थे अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, वहाँ पे हमें 35,000 34,000 इतने के लगभग मिल रहा था। तो इसमें मैं एक्चुअली कार्ड डिस्काउंट भी इंक्लूड कर रहा हूँ, उसकी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को अवेलेबल नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको रिलायंस डिजिटल से ले लिया जाए, और वो हमारी सिटी में स्टोर भी है उसका, तो हमने सोचा कि एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं जाके। तो अब जब हम उस स्टोर पे पहुँचे तो हमने पाया कि वहाँ पे ASP का अवेलेबल है, बट वो सिर्फ एक ही यूनिट थी जो डिस्प्ले में लगी थी, और वो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो हमारा मन उसको लेने का नहीं था। तो हमने पूछा उनसे कि क्या आपके पास नई यूनिट है, तो उन्होंने बोला यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट गुड़गांव DC से हम उसको अवेलेबल करा देंगे। तो हमने बोला कि ठीक है, हम पेमेंट कर देते हैं और आप डिलीवर उसको करा देना। फिर उसके बाद जब हम पेमेंट वगैरह कर दी, हमने उन्होंने हमें एक रिसिप्ट दे दी जिसमें उन्होंने हमें प्राइस लगाया 30,700 समथिंग। मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा जिसमें आप उसकी डिटेल देख पाओगे कि उन्होंने हमें कितना उसमें, और हमने उधर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा जो उन्होंने वैल्यू हमें बोली थी, इट वॉज़ अ रिसिप्ट नॉट अ बिल, कि हाँ आपका पेमेंट हो गया है सक्सेसफुली। तो उस रिसिप्ट को हम लेके घर वापस आ गए। उन्होंने 2 दिन बाद का वादा किया था कि वो डिलीवर कर देंगे, जो कि उन्होंने किया भी। सेकेंड डे ही मेरे पास कॉल आ गया था कि हाँ आपका स्पीकर अवेलेबल है एंड हम उसको लेकर आ रहे हैं। तो मैंने उसको कलेक्ट कर लिया, वो लेकर आ गए, वो मेरे को एक बिल की कॉपी दे गए, और जो कि एक वेयर हाउस से निकलने वाली, जिस वेयर हाउस से वो निकला होगा वहाँ की कॉपी थी। तो मैंने भी उस बिल को इतना ध्यान से देखा नहीं कि उसमें मैंने पाया कि स्पीकर हमारा आ गया है। हम वही एक्साइटमेंट सबको होती है, कोई नई चीज़ आती है, तो हम भी पहुंच गए कि चलो भाई स्पीकर टेस्ट करते हैं। स्पीकर हमारा आ गया, हमने उसको चलाया, गाने वाने सब सही चल रहा था, एसेसरीज वगैरह सब पूरी थी, सब कुछ अपना सेट था। तो फिर अचानक वो बिल जो था साइड में पड़ा था स्पीकर वगैरह का, हमने टेस्ट कर लिया था, सब कुछ चेक हो गया था। फिर उसके बाद हमने इसको रख के अपना नॉर्मल हम चल रहा था, तो अचानक मेरा हाथ उस बिल पे पड़ा और मैंने उस बिल को उठाया, और मैंने ऐसे ही देखने लगा कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी हैं। तो आई फाउंड आउट के उसमें जो प्राइस था वो 27,900 समथिंग था जो बिल था, और जो मैं पे करके आया था वो 30,000 समथिंग था। तो आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज कि ये डिफरेंस क्यों है। मेरे पास एक रिसिप्ट है और एक मेरे पे बिल है, जिनमें दोनों में वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही। फिर मैंने और थोड़ा डिटेल चेक करी तो उसमें मैंने पाया कि जो उसका इनिशियल प्राइस था वो बिल में भी सेम था, रिसिप्ट में भी सेम था, उस पर जो टैक्स था वो बिल में भी सेम था, रिसिप्ट में भी सेम था, बट उसमें एक जो रिसिप्ट थी उसके अंदर 2 आइटम्स का प्राइसेस लगे हुए थे, और जो स्पीकर का प्राइस था वो 23,000 समथिंग एंड प्लस GST उसमें थे, तो वो कुछ 27,999 के आसपास का पड़ रहा था, प्लस उन्होंने 3,000 समथिंग का इंक्लूडिंग टैक्स कुछ तो अमाउंट लगा रखा था जो सिर्फ रिसिप्ट में दिख रहा था, बिल में नहीं दिख रहा था। तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या चक्कर है।
अब हमारा ध्यान इसलिए भी नहीं गया था क्योंकि ऑनलाइन हमें 34,000 का मिल रहा था और यहाँ हम ऑलरेडी 30,000 पे आ गए थे, तो हमें काफ़ी लगा कि यार ये तो काफ़ी अच्छी डील है और हमने इसको तुरंत ले लिया था, तो हमने ध्यान भी नहीं दिया कि ये और कम भी हो सकता है क्या। तो जब हम अब हमने सोचा कि सबसे पहले तो इस बिल को और रिसिप्ट को लेके हम रिलायंस के स्टोर पे जाते हैं जहाँ से हमने पेमेंट करी थी। तो हम सीधा स्टोर पे पहुँचते हैं और पाते हैं कि पहले तो उनका थोड़ा सा हाथ पैर भूल गए कि सर कैसे आ गए वापस, क्या चक्कर हो गया। हम पेपर वेपर लेके दो चार लड़के पहुँच गए हम कि भाई क्या है, हमने सोचा था इसकी स्पीकर भी ले जाते हैं, ले जा के रख देते हैं, बट ये क्योंकि भारी स्पीकर है तो हमने सोचा कि चलो स्पीकर रहने देते हैं। और बिल और रिसिप्ट लेके हम जब उनके पास पहुँचे तो पहले तो उनकी आपस में कुछ बातचीत चलती रही। तो बातचीत करने के बाद जब हमने कंटिन्यू किया तो हमने पाया कि भाई जो स्पीकर है हमारा वो एक्चुअली हमारे को 27,999 का ही पड़ा था। 27,999 जो अमाउंट था हमारा वो तो मैच हो गया था रिसिप्ट के साथ भी, बट उसमें 3,000 रुपीज़ का हमारा एक और अमाउंट था जो कि रिलायंस की एक्सटेंडेड वारंटी वो प्रोवाइड करते हैं। और उसी को हमने देखते हुए हमारा कन्फ्यूजन भी आया था वहाँ पे। जो रिसिप्ट थी उसमें बहुत स्मार्टली उन्होंने लिखा हुआ था कि वो एक साल की वारंटी है, तो उसको अगर आप रिसिप्ट को सिर्फ देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि स्पीकर आपने लिया है उस पर आपको एक साल की वारंटी मिली है जो कि सैमसंग ही प्रोवाइड करता है। बट जो रिसिप्ट थी उसमें लिखा हुआ था कि एक साल की वारंटी और उसके 3,000 रुपये चार्ज करे हुए थे, और हमें कुछ भी डिटेल उन्होंने वहाँ पर नहीं बताई थी कि आपको इसमें एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है। मतलब एक साल की सैमसंग जो आपको दे रहा है प्लस एक साल जो आपको रिलायंस ऑफर कर रहा है 3,000 रुपये पे कर, क्योंकि आई मीन 30,000 रुपये का स्पीकर है तो यूजुअली लोग करा ही लेते होंगे मुझे लगता है। तो उन्होंने हमें बताने की उसकी ज़रूरत नहीं समझी, उन्होंने हमें बिल बना दिया और रिसिप्ट दे दी और रिसिप्ट हम लेके घर भी आ गए। और जब वो हमने बिल से कंपेयर किया तभी ये हमें डिफरेंस पता चला कि एक्चुअली जो स्पीकर की वैल्यू थी वो 27,000 कुछ के अमाउंट की थी और जो उसमें 3,000 रुपीज़ ऐड करके रिलायंस की जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो हमें 3,000 की मिली है, बट हमारे पास कोई उसकी वो नहीं थी। तो जो बिल था हमारे पास, जो रिसिप्ट थी, बिल तो एक्चुअली वो वेयर हाउस वाला था जिसमें कम अमाउंट था, तो जो रिलायंस का जो रिसिप्ट थी उसमें हमारे पास उसमें लिखा हुआ था सिर्फ, और उसके अलावा हमारे पास कोई इन्फो नहीं थी, कोई डिटेल नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हमने जब इन स्टोर में उन्होंने काफ़ी देर आपस में डिस्कशन किया तो फिर इवेंचुअली उन्होंने ये बोला कि सर ये आपकी जो 3,000 का अमाउंट इसमें कटा हुआ है ये एक्चुअली आपकी एक्सटेंडेड वारंटी है जो आपको स्पीकर की मिली है जो रिलायंस ने अपनी तरफ से दी है। अब हम काफ़ी शॉक हो गए क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज हमें ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं, किसी ने भी नहीं दी थी कि ऐसा भी कुछ है। मैं रिलायंस से काफ़ी चीज़ें लेता रहता हूँ, अब मुझे पुराने बिल्स भी चेक करने पड़ेंगे क्योंकि उनकी भी मैंने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि कोई उसमें हो सकता है बिल में कुछ और हो और जो रिसिप्ट उन्होंने दी थी कुछ और दी हो। तो इवन फिर उन्होंने उसमें पूरा डिटेल बताया कि हम रिलायंस जो है आपको एक्सटेंडेड वारंटी देता है और उसका ये वो है। तो फिर उन्होंने निकाल के अंदर से एक किट दी जिसका मैं स्क्रीनशॉट एक आपको लगा दूंगा, जो उन्होंने जब मैं दोबारा उनके पास गया कि भाई ये क्या डिफरेंस है, तब उन्होंने वो किट में एंट्री वगैरह करके पूरा सिग्नेचर करके इसका नाम और वो सब लिख के फिर उन्होंने वो किट मुझे प्रोवाइड करी और उन्होंने बोला कि ये आपकी एक्सटेंडेड वारंटी है जिसमें आपका, मैंने जैसे 2022 में लिया है दिसंबर में, तो दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक की तो सैमसंग ही ऑफर कर रहा है जो रिसिप्ट पे लिखी हुई थी, प्लस उन्होंने एक साल की एक्सटेंडेड रिलायंस ने ऑफर करी है जो कि 2023 से 2024 तक वैलिड है, जिसकी डिटेल मुझे नहीं थी बिल्कुल भी। लिटरली अगर मैं वहाँ दोबारा नहीं जाता या उस बिल पर ध्यान नहीं देता तो मैं उसको मिस कर देता और एक साल की जो वारंटी जिसका मैंने पे किया था 3,000 रुपीज़ वो मुझे नहीं मिलती। तो आपके लिए भी यही मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप रिलायंस से जाएं लेने और तो अपनी जो रिसिप्ट आपने जो पेमेंट करी है और जो बिल आपके पास आया है उसको ज़रूर अच्छे से चेक करें कि उसमें किस किस चीज़ का अमाउंट उन्होंने लगाया है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा केस हुआ जिसमें आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही हो और आपको ना पता हो, और जैसे अगर मुझे नहीं पता होती तो एक साल के बाद मैं भूल जाता कि मेरे को एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी है, और बिना डॉक्यूमेंटेशन के हम कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक रिसिप्ट थी और जो बिल था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का अमाउंट लिखा हुआ था और कुछ नहीं लिखा था।
तो ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जो रिलायंस के परचेज करते हैं, आई नो के बहुत लोग हैं जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास ज़रूर पहुँचे।